गौरव, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे जस्सी आपके पूरे करियर में कितना अहम और पड़ाव रहा है। जस्सी का ये मैं कह सकता हूँ कि इसने मुझे बहुत कुछ दिया है, नंदू कैरेक्टर ने, बिकॉज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप जो शो करते हैं वो हिट रहे, क्योंकि मैं पहले भी शोज़ कर चुका हूँ, पहले भी टीवी कर रहा था 3-4 साल से, और मेरे ख्याल से पहला सीरियल है जो 1 साल से ज़्यादा चला है, दूसरे चले नहीं 1 साल से ज़्यादा। जस्सी आई थिंक पॉपुलर रहा है, लोगों को पसंद आया है, और मेरा कैरेक्टर भी पसंद आया है, सो बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। आई थिंक सडनली आपकी वो वैल्यू बढ़ जाती है मार्केट में, ऑडियंस में, देन पीपल हु आर इन वर्क, वो आपको थोड़ा एक ऊंचे उस पे डाल देते हैं। आप जब रस्ते पे चलते हैं तो लोग आपको नंदू कह के बुलाते हैं या गौरव नाम याद है? नहीं, टीवी में क्या होता है कि आपके कैरेक्टर को ज़्यादा, क्योंकि आप रोज़ दिखते हैं, तो वो जो जानते भी हैं उनकी ज़बान पे दूसरा नाम चढ़ जाता है, तो नंदू ज़्यादा बुलाते हैं। पर थैंकफुली अब शायद दूसरे भी काम कर रहा हूँ तो गौरव गौरव थोड़ा सा दिमाग में बैठ रहा है। नंदू का मेकओवर हो रहा है, होने के प्रोसेस में है, इस बारे में कुछ बताएंगे? जस्सी का तो हमें पता है हो रहा है, नंदू का क्या हाल है? नंदू का थोड़ा बहुत चेंज तो हो चुका है और थोड़ा और होएगा, बट मुझे ये नहीं पता कि कितना होगा, ऐसे मुझे नहीं पता कि उसके बाल ब्लीच कर दें, मेक हिम अ डूड या ऐसा कुछ, यू नो, ये हो तो शायद नहीं होगा, बट आई डोंट नो किस लेवल तक होएगा, बट होगा, थोड़ा बहुत होगा। तो ये जो आपका मेकओवर है, क्या करेक्ट इसीलिए ऐसे टाइम किया गया है क्योंकि क्योंकि आपके दूसरे भी प्रोजेक्ट्स शुरू हो गए हैं, तो क्या ये टाइमिंग एडजस्ट की गई थी या इट जस्ट हैपेंड कोइंसिडेंस हो गया? सही, नंदू का मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि सिर्फ चश्मा मेक्स अ डिफरेंस एंड द क्लोथ्स, क्योंकि बाल जब शुरू हुआ था जैसे, तो मेरे बाल छोटे थे जैसे अभी हैं, क्योंकि मैं फिल्म की कंटिन्यूटी में था, क्यों हो गया ना, जैसे मेरे बाल बहुत क्रॉप्ड थे, और वो जैसी से 10 महीने पहले से वो पिक्चर चल रही थी, तो मैं सडनली बाल नॉर्मल, असल में मैं बाल बढ़ाना चाहता था फॉर नंदू, पर वो नहीं कर पाया क्योंकि कंटिन्यूटी में था। तो उसके बाद जब कैरेक्टर इस्टेब्लिश हो गया कि नंदू ऐसा ऐसा है जैसा भी है, तो उसके बाद मैंने बाल लंबे कर लिए। दूसरा टोनी का सीरियल था, वो डेंट हैपन, बट आई ग्रू माई हेयर, तो आपको याद होगा बीच में शायद नंदू के बाल काफ़ी लंबे होते थे, तो वो गौरव के भी थे, सो ऐसा अभी उसे बोर हो गया तो बाल छोटे करा लिए, इट्स लाइक दैट, क्योंकि बीच में दूसरे काम तो करता ही रहा हूँ। लंबे बाल में भी मैंने एड्स की थी, टीवी नहीं किया था ज़्यादा पिछले साल, ज़्यादा टीवी नहीं किया, सिर्फ जस्सी किया, और बस यही है। तो इट्स ओनली बिकॉज इट्स माई लाइकिंग, नो बडी हैज स्पेसिफिकली टोल्ड मी कि अब तुम अपने बाल ब्लीच कर लो। हाँ, ये है कि मैं स्ट्रिक्स नहीं कर सकता बाल, जो मैं चाहता हूँ एवरीबडी इज़ डूइंग इट, आई ऑल्सो वॉन्ट टू कलर माई हेयर, वो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो नंदू में अजीब लगेगा थोड़ा सा, बिकॉज ही इज़ नॉट अ हैप डूड। जस्सी, नंदू तो जस्सी का बेस्ट फ्रेंड है, तो अब जस्सी का मेक ओवर होगा, फिर शायद अब नंदू का भी धीरे धीरे होगा, तो क्या हम जस्सी और नंदू में एक अलग प्रेम कहानी देखेंगे? चैनल इतना बताता तो नहीं है हमें, पर मुझे स्टोरी चैनल नहीं बताता, आई मीन एक्चुअली मुझे ये नहीं पता कि मैं परसों जो शूट करूँगा उसमें क्या होगा, वो नहीं पता मुझे एक्चुअली, और ओरिजिनल भी मैंने देखा नहीं है कि ओरिजिनल में क्या होता है, बट आई थिंक हीरो ऑफ द शो इज़ अरमान एंड ही शुड गेट जस्सी, बट ये है एज गौरव, आई वंडर कि नंदू जब जस्सी को देखेगा ट्रांसफॉर्म्ड, तो ये तो वैसे ही प्रिटी बे उसके पीछे पागल है, तो हाउ विल ही रिएक्ट। आई थिंक थोड़ा सा तो कहीं तो एज ए कैरेक्टर मैं सोचना चाहूँ तो मैं सोच सकता हूँ कि कुछ तो उसको शायद फीलिंग होगी दैट ओ नॉट बैड, या फिर थोड़ा सा वो डिस्टेंस रहेगा कि ये तो वो नहीं है जैसी मुझे लगती थी, so, शायद ये हो, दैट्स ओनली माई थिंकिंग, आई डोंट नो वेयर द स्टोरी इज गोइंग। लेकिन चूंकि 1 साल से ज्यादा हो चुका है कंटिन्यूअसली, पता नहीं दिन के 8-8, 12-12 घंटे आपने उनके उनके साथ शूट किया होगा, कहीं कोई ऑन द सेट्स लाइकिंग एक अट्रैक्शन सा टुवर्ड्स? लाइकिंग तो बहुत है, इनफैक्ट आई रियली लाइक हर, आई थिंक जैसे असल में मैं हूँ गौरव, शी इज़ वेरी क्लोज टू मी, जैसे मुझे लगता है कि वो मेरे जैसी ही है बहुत हरकतों में, जैसे वो बातें करती है तो बताती है बचपन में किचन में मम्मी के सामने हरकतें करना, या घर में यू नो फूलिंग अराउंड, तो वो भी करती है मैं भी करता हूँ। अब बेबी शायद हम इतने क्लोज हैं कि हम डिस्कस करते हैं कि हाउ आर यू, तो इस चीज़ के बारे में कैसे सोचती है, एंड आई थिंक वी थिंक अलाइक, एंड मे बी दैट इज़ वाई वी वर्क ऑन अ सीन एंड केमिस्ट्री शोज़ दैट वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, वी नो इच अदर वेरी वेल, तो वो हो जाता है, एंड आई थिंक शी इज़ सो मच लाइक मी, इट्स कैरी एट टाइम्स, थोड़ा डर लगता है कि ओ ये तो मेरी तरह सोचती है, यू नो, तो वो लगता है।
जस्सी में इतने सारे सरप्राइज मैरिजेस हो चुके हैं, पता नहीं हर कैरेक्टर की रियल में शादी हो चुकी है, चाहे मानवी हो या अपूर्व हो. तो आप क्या अगले दूल्हे आप बनेंगे? क्या पता मैं पहले ही बन चुका हूँ बहुत शायद मैंने बताया ही ना हो पता ही नहीं, देखो क्या होता है. तो एज ऑफ नाउ तो अभी कुछ नहीं है, इट्स ओनली करियर, फोकसिंग ऑन दैट. सरप्राइज मैरिज होगा तो आई विल ऑल्सो गिव यू सरप्राइज, डोंट वरी. नहीं कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है. कुछ नहीं अभी, नहीं, नथिंग हैपनिंग, लेट इट बी अ सरप्राइज. और एक चीज जानना चाहेंगे, इस सीरियल में या पहले भी आपने जो शोज किए होंगे, आई थिंक ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो भी चल रहा है, कुल मिलाकर काफी बार जोक्स के रिसीविंग एंड पर आप रहे हैं. ठीक है, ये स्पेशली नंदू ही ले लीजिए, जोक्स के रिसीविंग एंड पर आप रहे हैं, कैसे फील होता है रियल लाइफ में? आई थिंक आफ्टर ऑल इट्स जस्ट एक्टिंग, एंड शायद 4 साल बाद करते करते ये भी पता लग जाएगा कि जो आप कर रहे हो सिर्फ आपका काम है. मतलब आप कैरेक्टर में घुस के आपको निकलना भी आना चाहिए. इट्स नॉट कि आप सिर्फ कैरेक्टर में घुस गए और आपका दिमाग ख़राब हो रहा है, ओ मैं तो नंदू हुई हूँ, ऐसा नहीं होता. क्योंकि आप एक सेट से निकलते हो, आप वो कैरेक्टर वहीं छोड़ के दूसरे सेट पे पहुँचते हो दूसरे कैरेक्टर में घुसने के लिए. तो आई नो वेरी क्लियरली मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ. मतलब शुरू में मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि आप टाइप कास्ट हो जाओगे, आप नंदू का रोल कर रहे हो तो टाइप कास्ट हो जाओगे, बट आई रियली डोंट बिलीव इन इट. क्योंकि मैं पहले मेरा शो था लाइफ ने लड्डू, जिसमें मैं नंदू के सिमिलर कैरेक्टर था एक. तो उस टाइम मुझे किसी ने कहा था कि अब तो आपको ऐसे ही रोल मिलेंगे. तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं. उसके बाद मैंने और शोज़ किए, संस्कृति किया, कुछ और किया, क्यों हो गया ना मैं रोल किया, क्यों होता है प्यार एक सीरियल आता था तो उसमें कुछ किया. तो फिर लोगों ने मुझे बोला, किसी मैं एक प्रोडक्शन हाउस में गया था तो उस लड़की ने बोला कि गौरव तुम्हारे लिए आई विल हैव टू फाइंड समथिंग विच इज़ वेरी यो, लाइक वेरी न्यू यो, यो व्हाट्स अप डूड. सो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, कि आप जो करते हो यू आर कन्विंसिंग, सामने वाला आपको सोचता है कि ओह ही इज़ परफेक्ट फॉर दिस रोल. किसी और रूप में देखा तो बोलते ओ यू आर परफेक्ट फॉर दिस रोल. आई थिंक दैट्स गुड इन फैक्ट फॉर मी एज एन एक्टर, कि मैं शायद वर्सेटाइल हूँ, विच वर्क्स इन माई फेवर, फील्स गुड. लेकिन फिलहाल ये जो आपका मोल्ड बन चुका है, एक इमेज बन चुकी है, आफ्टर लाइफ नहीं है लड्डू अब नंदू, इससे ये तोड़ने के लिए, ब्रेक अवे करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं ऐसे कोई स्पेशल एफर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट ये है कि थैंकफुली ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो में मैं बहुत सारे रोल्स करता हूँ. मैं अमेरिकन भी कर चुका हूँ, जापनीज भी कर चुका हूँ, यू नो आई प्लेड साउथ इंडियन, आई प्लेड दिस एंड दैट, इट्स अ लॉट ऑफ, इट्स एंसेंबल कास्ट. और आप कभी भी रोल कुछ भी प्ले कर सकते हैं. मैं 14 साल का बच्चा बनाऊँ, मैं 50 साल का बूढ़ा बनाऊँ, सब कुछ उसमें है कैरेक्टर्स, एंड आई एम लविंग इट. क्योंकि इट्स ग्रेट फन कि आप कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं. तो आई थिंक दैट एक्टिंग इज़ वन फील्ड विच जिसमें आप अपने सारे ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हो. और नंदू मोल्ड का निकलने का मैं ये है कि मैं एड्स तो करता ही रहता हूँ, और मेरी एड्स में कोई ऐसा नहीं है कि रिपीट ऑफ नंदू लुक. कुछ है भी, नर्डी भी किया, आई हैव डन लाइक लॉट्स ऑफ एड्स, हैव डन एंड प्लेड डिफरेंट कैरेक्टर्स. तो इट डजेंट रियली फियर मी. शायद सिर्फ एक सीरियल कर रहा होता कि अब क्या होगा तो शायद टेंशन होती, लेकिन नहीं अभी नहीं होती. आगे किस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं आप, नंदू से आगे कैसे बढ़ रहे हैं? अभी तक तो आई एम हैप्पी विद द रोल्स दैट आई एम डूइंग, और ना ही मुझे अभी तक बोरिंग लगने लगा है, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 1.5 साल हुआ है. आई एम लाइकिंग इट, आई एम इन्जॉइंग इट, आई लव टू शूट. शायद इसीलिए मैं इतने दिन शूट कर लेता हूँ, 28-30 दिन कर लेता हूँ. आगे जाके आई वॉन्ट टू डू अ लॉट ऑफ वर्क. मैं थिएटर भी करना चाहता हूँ, मैं रेडियो भी करना चाहता हूँ, मैं एंकर भी बनना चाहता हूँ. बेसिकली जो भी इस फील्ड में एक एक्टर या परफॉर्मर कर सकता है, मैं वो सब करना चाहता हूँ. फिल्म्स डेफिनेटली, फिल्म्स बहुत अच्छा रोल आएगा तो आई वुड लव टू डू वर्क विद सम वेरी गुड फिल्म मेकर्स, एंड थोड़ा सा ऑफ बीट अच्छा रहेगा, एंड आई वुड लव टू प्ले अ कैरेक्टर. वैसे राम गोपाल की एक फिल्म थी जिसमें आपने सिनेमेटोग्राफर को शायद खास कहा भी था कि मुझे शूट मत करना जब आप डांस कर रहे थे. जो कोरियोग्राफर था वो ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो उसमें मस्त की ही बात है. मैं पीछे जब डांसर था तो उसको मालूम था कि एक्टर बनने आया है, पैसे कमाने हैं इसको, तो ही पुट मी इन द शॉट और ही मेड श्योर कि मैं दिखूँ ना, कि मैं उसमें डांस कर रहा हूँ, मतलब दिख रहा हूँ. यू कैन मेक आउट, आप उसको बड़े स्क्रीन पे देखोगे आपको पता लगेगा कि लास्ट में एंड में ऐसे बल्ब लेके जो खड़ा एक मैं हूँ. तो बट आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट, आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने वो करा है, बिकॉज
जैसे शुरुआत में मुझे लोग पूछते थे कि स्ट्रगल कैसे चल रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हेट द वर्ड स्ट्रगल. स्ट्रगल क्यों कहते हो? इट्स आफ्टर ऑल वर्क. अब इट्स अ जर्नी. आप यहाँ से वहाँ जाओगे. और उस टाइम मुझे पता भी नहीं चला क्योंकि मैं शायद पैसे कमा रहा था थ्रू डांसिंग कोरियोग्राफी. फिर मेरी एड्स होती थी तो उसमें कुछ पता नहीं चला. आई नेवर फेल्ट द पेन. बट अब मैं अगर पीछे देखूं तो वो लाइफस्टाइल थोड़ा मुश्किल लगता है. शायद उस 4-5 साल पहले कर सका बिकॉज आई वॉज यंग. आई डोंट थिंक आई वॉन्ट डू इट अगैन. फिलहाल कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके हाथ में? मैं जस्सी कर रहा हूँ और मैं एक ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो कर रहा हूँ. उस कॉन्टिलो का प्रोजेक्ट स्टावन पे है. एक जय मेहता का शो है कॉल्ड यो यो. उसमें मैं गोस्ट प्ले कर रहा हूँ. तो वो बेसिकली जब कैरेक्टर कंसीव हुआ था तो मेरे दिमाग में जिम कैरी था एंड आई टोल्ड देम आई वुड लाइक टू प्ले इट लाइक दैट यू नो. थोड़ा सा यो यो नाम है मेरा गोगो. मैं उसमें गोगो भूत बना हुआ हूँ एंड बच्चों के लिए है एंड इट्स गुड फन. सो इट कीप्स मी बिजी. 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे? अब श्योरिटी तो यही है कि इसी फील्ड में. आई डोंट नो बिहाइंड द कैमरा फ्रंट द कैमरा बट मे बी डूइंग सम फिल्म्स. मैं शायद 5 साल में कुछ फिल्म्स भी कर चुका हूँ. कुछ और टेलीविजन कर चुका हूँ. शायद कुछ डायरेक्ट कर चुका हूँगा. कुछ लिख चुका होऊंगा और शायद मैं एक एंकर शो होस्ट कर रहा होऊंगा बिकॉज दैट्स माय अल्टीमेट. आई वांट टू होस्ट अ शो वेयर आई टॉक टू पीपल एंड टॉक टू देम अबाउट डेली लाइफ अचीवमेंट्स एंड सॉरोज एंड एवरीथिंग. बट बेसिकली इन दिस फील्ड. और उसके आगे का 5 साल पूछोगे तो मे बी मेक अ लॉट ऑफ मनी ओपन अ रिसॉर्ट या फिर डू सम चैरिटी वर्क.